नमस्कार अरविंद केजरीवाल जी, कल से मैं सुन रही हूँ कूड़े का ढेर कूड़े का ढेर कूड़े का ढेर। ये कूड़ा उठा के क्या आपके विधायकों के मुंह पे डालें या आपके विधायकों के घरों में डालें या उनकी अलमारियों में डालें? बताइए, कूड़ा जो होता है हर स्टेट में एक लैंडफिल साइट होती है, ये सबको पता होता है कि वहां कूड़ा डंप किया जाता है। आपने दिल्ली की साफ सफाई के लिए आज तक क्या किया, पहले आप ये बताइए। 8 साल में आपको 10,000 करोड़ दिया गया यमुना सफाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, वो कहां गए 10,000 करोड़, किसकी जेबों में गए अरविंद केजरीवाल जी, बताइए। क्योंकि यमुना तो आज भी गंदी है, लोग आज भी डुबकी नहीं मार सकते, वहां झाग ही झाग दिख रही है। झाग को छुपाने के लिए आपने वहां केमिकल डाला, और केमिकल क्या करता है, वो केमिकल इतना खतरनाक है स्किन कैंसर करता है। पहले आपने दिल्ली की हवा आबो हवा इतनी जहरीली करी कि लोगों को अस्थमा, बच्चों को अस्थमा हो रहा है, उसके बाद भी आपका दिल्ली भरा तो आपने कैंसर जैसी बीमारियां करने के लिए वहां यमुना के पानी में केमिकल मिलवा रहे हैं। आपको तो छठी मैया कभी माफ नहीं करेगी अरविंद केजरीवाल जी, ये आप याद रखिएगा। आप जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं ना, आपको आपको ऐसा सबक सिखाएगी छठी मैया, अगली बार आपको पता चलेगा कि आपने क्या किया था। अब बताइए, हर बात पे आपको केंद्र से ही रोना होता है। आपको ऑक्सीजन चाहिए, केंद्र सरकार ने दी। दिल्ली में पॉल्यूशन घटाने के लिए 800 बसें, इलेक्ट्रिक बसें केंद्र सरकार ने दी, आपने खोखले ऐलान किए। पेरिफेरल रोड केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए बनाया प्रदूषण कम करने के लिए। 17 पार्क दिल्ली के अंदर नगर निगम के द्वारा बनाए गए, आपने क्या किया? वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी खोल दिया गया हमारे गृह मंत्री जी द्वारा, अभी 4 दिन पहले उसका उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मतलब खुल गया, 2 साल से तैयारी उसकी चल रही थी बनने के लिए, और बन के तैयार हो गया। अब उसी कूड़े के ढेर से बिजली बनेगी और दिल्ली वालों को सस्ती बिजली मिलेगी या फ्री बिजली मिलेगी, लेकिन हम आएंगे तो मिलेगी ना। इन्होंने तो पैसे लगा दिए हैं, इन्होंने तो आज तक दिल्ली के लिए करा ही कुछ नहीं है। तो ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ प्रचार प्रसार सिर्फ यही करते हैं, और आज भी यही कर रहे हैं। हाय तौबा कल चिल्ला रहे थे कि बीजेपी कहती है पैसे के लिए, हाय तौबा। हम पैसे के लिए नहीं, हम उन कर्मचारियों की सैलरी के लिए हाय तौबा बोलते हैं कि पैसा दो, उन बेचारे कर्मचारियों के घर भी चूल्हा जले। लेकिन आपको शर्म थोड़ा ना है, आपने शर्म बेच खाई है, और आप कहते हैं दिल्ली को गाली। आप कब से दिल्ली वाले हो गए? सारी जनता जानती है, दुनिया जानती है कि आप दिल्ली वाले हैं ही नहीं है, तो कैसे बोल रहे हो आप दिल्ली वाले? हम हैं दिल्ली वाले, यहीं पैदा हुए, बॉर्न एंड ब्रॉटअप यहीं के ही हैं। आप दिल्ली वाले नहीं हो।